आइए आज आपको बताते हैं कि मेष राशि के लिए आगे आने वाले 6 महीने कैसे रहेंगे। इस वर्ष शनि का भ्रमण एकादश भाव में था आपके, जो आपकी पुरानी परेशानियों का अंत करता है और सफलता कारक है। इस मई के बाद जो भी है गुरु अच्छा फल देता है तथा अन्य ग्रहों के प्रभाव से पूरा वर्ष अच्छा रहेगा। गोचर के अन्य ग्रह योग आपकी मदद करते हैं, जिसके प्रभाव से ग्रह आपके लिए कुछ कमी के साथ अनुकूल रहेंगे। इसके कारण आपके रुके हुए कार्यों में नए सिरे से प्रगति के परिणाम मिलने में थोड़ा समय लगेगा। आपकी नौकरी की प्रगति के अनुरूप 2 तरह की स्थितियां बन सकती हैं। यदि आपकी पदोन्नति रुकी हुई थी और इस पर अपील इत्यादि लंबित थी तो मई के बाद निर्णय हो सकता है, जो कि आगे आने वाला जून के बाद का आपका समय भी शुरू होने वाला है। बेरोजगारों को भी नए रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होने का योग इस वर्ष अभी आगे आने वाले 6 महीनों में दिख रहा है। कारोबार की दृष्टि से भी समय अच्छा है। आपको इस वर्ष काफी समय से रुके हुए धन प्राप्ति का योग भी दिख रहा है। अगर बात करें घर परिवार की तो शादी विवाह शिक्षा स्वास्थ्य व देखभाल जैसे दायित्व आपके इस वर्ष पूरे हो सकते हैं। आपको संतोष का अनुभव होगा। इस वर्ष परिवार में एक से अधिक मांगलिक कार्य होने का सहयोग भी दिखाई दे रहा है। संतान पक्ष की उन्नति से जुड़े हुए हर्ष का प्रसंग भी इस वर्ष के मध्य में जो अभी आप आने वाला समय है उसमें हो सकता है तथा वर्ष के अंत में विवाह संतान से जुड़े हुए शुभ कार्य होने का प्रबल सहयोग दिख रहा है। स्वास्थ्य की बात करें तो वर्ष के आरंभ में आपको जो लिवर संबंधी व्याधि भूख में कमी अपच आदि के संकेत मिल रहे थे वे अब दूर होते दिखाई देंगे। यदि आपका जन्म का शनि कमजोर है तो आपके कंधे कमर और जोड़ों की तकलीफ हो सकती है, पर इसका भी अब उपचार हो जाएगा। यदि आप विद्यार्थी हैं, कोई रिसर्च से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो आपके लिए नई संभावनाएं स्वागत कर रही हैं। उच्च शिक्षा में यदि सीट के लिए विवाद है तो यह आपके पक्ष में होता दिख रहा है, सुलझ जाएगा। मई तक जो पढ़ाई में एकाग्रता की कमी दिख रही थी उसका भी अब समाप्ति का योग दिख रहा है। अगर यात्रा वगैरह आपका देखा जाए तो जून के बाद आप घर के निकट कहीं भी स्थानांतरण पाने में सफल रहेंगे। यदि आपकी पत्रिका में जन्म का गुरु प्रबल है तो आपको पदोन्नति प्रमोशन तो मिलेगा ही और अधिक सुख सुविधाओं को प्राप्त कर सकेंगे तथा आपके मन माफिक जगह पर आपका तबादला भी करवा पाने में आप सफल होंगे। आपकी गृहस्थी यदि नौकरी या व्यवसाय के कारण एक से अधिक स्थान पर बटी हुई है तो इस वर्ष के आपके सब कुछ सारे मामले सुलझ जाने की ग्रह योग दिख रहे हैं। धार्मिक ग्रह शांति के लिए यदि आपको कहा जाए तो आप उच्च कोटि का साधक सिद्ध प्रदायक यंत्र अथवा साधना कर सकते हैं। राहु की शांति के लिए चींटियों को आटा डाल सकते हैं, शक्कर डाल सकते हैं। हनुमान जी को शनिवार को तेल का दीपक जलाना आपके लिए लाभकारी होगा। जय श्री हरि।